क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है एन और वो लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में, ठीक ना, वो लाई कर रही है एक्स वाई प्लेन में, जहां की जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बी इक्वल टू बी नॉट टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, बी नॉट इंटू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप टेस्ला, जहां पे बी नॉट जो है कॉन्स्टेंट है। तो हमसे पूछा गया कि उस स्क्वायर से कितनी फ्लक्स पास करेगी, ठीक ना, कितनी फ्लक्स पास करेगी। अब ये हमारे पास ऑप्शन है इनमें से जो भी है, देखते हैं। अब देखो सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है कि जो स्क्वायर है वो कौन सी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, मान के चलो ये एक्स ये वाई, तो ये स्क्वायर हो गई, ठीक, साइन एन एक्स वाई प्लेन में है। तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो क्या जेड की तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर के कैप। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड ये रही और एरिया वेक्टर किधर है, के कैप किधर। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या जानते हैं, आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ और के साथ। तो यहां एरिया वेक्टर में ओनली के है, एल स्क्वायर के कैप, तो के वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, फोर बी नॉट एल स्क्वायर, फोर बी नॉट एल स्क्वायर, ठीक ना, बी नॉट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फोर बी नॉट इंटू एल स्क्वायर, इसमें यही कर देना, के की के साथ मल्टीप्लाई कर देना हमें, डॉट प्रोडक्ट बी वन, इसकी यूनिट क्या होती है वेबर, फोर बी नॉट एल स्क्वायर वेबर।